प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। छावादी कवि सुमितानंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद काफ़ी लंबी होने के कारण मैंने इसे 3 कड़ियों में बांटा था, जिसकी पहली और दूसरी कड़ी मैंने इससे पहले के वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो आइए आज हम इस कविता की तीसरी और अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है टूटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में छोटी सी दुकानदारी के लिए सारे प्रयास करने पर भी उसके परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, न ही उनको पहनने के लिए साफ कपड़े ही मिलते हैं और न वे तंदुरुस्त रह पाते हैं। वह अपने रहने के लिए पक्का घर भी नहीं बना पाता है। उनके मन में न तो कोई सुख होता है और न ही वह अपने लिए धन ही कमा पाता है। यह दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि गांव का वह गरीब आदमी कंधों पर फटे कपड़ों के बने गुदरी डाले हुए है और सर्दी से उसका पूरा शरीर कांप रहा है, और इस अवस्था में वह यह सोचता है कि उसका जीवन हर मोर्चे पर विफल ही रहा है। इसी सोच में उसके कंधे पर रखे गुदरी खिसक जाती है और वह यह सोचता है कि उसका जीवन इतनी व्यवस्थाओं से क्यों भरा है। वह सोचता है कि उसे भी सभी वस्तुएं नहीं मिल पाती जो एक शहरी दुकानदार को प्राप्त होती है। इस प्रकार गांव का वह दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने को मजबूर है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभल नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों पंत जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गांव का छोटा सा यह दुकानदार सोचता है कि वह शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता, उसे भी महाजन बनने का अधिकार है पर वह बड़ा नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों है, उसे यह बात समझ में नहीं आती कि उसकी तरक्की किसने रोक रखी है। यहाँ दूसरी पंक्ति में फिर से पंत जी कहते हैं कि गांव के लोगों के जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पाती, क्या आज संसार की जो व्यवस्था चल रही है क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात इस व्यवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए, इसमें परिवर्तन से ही हमारे जीवन में सुधार आ सकता है। यह पंत जी का मानना है कि कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्चे का वितरण सभी के बराबर होना चाहिए। पंत जी अर्थात हर गांव का गरीब यह सोचता है परंतु ऐसा
नहीं हो रहा है, बड़ी विडंबना है। घुसे घरंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सबके सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। आइए पंक्तों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसकर सभी अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक सुखी जीवन आए, अर्थात सभी लोग एक समान सभी सुविधाओं का भोग करें। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, जिससे जीवन के सभी सुखों का उपभोग भी सब मिलकर कर सके। दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं कि इसके लिए लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। सभी प्रकार के प्रसाधन एवं धन पर सारे समाज का समान अधिकार है, इस बात को सामूहिक रूप से स्वीकारना होगा, तभी संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा और सभी लोगों का जीवन सुखी और समृद्धशाली बन सकेगा। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जय। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। तो आइए व्याख्या करते हैं। यहाँ पंत जी कहते हैं कि गरीबी के सब पापों की जड़ है, अर्थात गरीबी ही सभी प्रकार से पाप करवाती है। पंत जी चाहते हैं कि लोगों के जीवन से पाप दुख व भय आदि मिट जाए। लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान, कपड़े और स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए, जिससे कि पशुता के भावना पर मानवता के भावना विजय हो सके। दूसरी पंक्ति में पंत जी कहते हैं कि इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, वरन संसार की पूरी परिपाटी अर्थात परंपरा ही इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों का मन दुखी एवं पीड़ित है, यही लोगों में उनकी मेहनत का फल बराबर बांट दिए जाए तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। टूट गया वह स्वप्न वनिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी। आध पाव आटा लेने, लो लाल ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुग्घू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर। निगल रहा बस्ती को धीरे, गार्ड अलस निद्रा का अजगर। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जहाँ वर्णन करते हैं कि गांव का छोटा दुकानदार अकेला दुकान पर बैठकर यही स्वप्न देखता है कि संसार के सभी लोगों को सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त हो, परंतु वह अपने सपने को व्यवहारिक रूप से नहीं उतार पाता है। तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री उसके दुकान पर आधा पाव अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है। तब वही दुकानदार कम तोल कर उस बुढ़िया को आटा देता है। अर्थात पंत जी का कहना है कि इस
असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह दुकानदार भी स्वयं दोषी है। दूसरी पंक्ति में पंडित जी कहते हैं कि इस स्थिति का प्रतीक घुंघू अर्थात उल्लू जब चीखता है तो लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अर्थात शोषण वर्ग की एक टुकड़ी उन्हें चुप करा देती है। फिर समय के साथ धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन्हें निगल रहा हो। इस प्रकार अंततः पंत जी द्वारा रचित संध्या के बाद कविता में इस अंतिम कड़ी के व्याख्या के बाद मैं यही कहूँगा कि प्रस्तुत कविता में ग्रामीण परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ रात्रिकालीन ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है तथा साथ में गांव के लोगों की विपन्नता गरीबी के दृश्य को भी सुंदर शब्दावली में अंकित किया है। पंत जी यह गांव के बनिए के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपनी कथनी और करनी में समानता द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। पंत जी प्रस्तुत कविता में लोगों की सोच और आचरण के समानता पर बल दिए हैं। इस प्रकार मैं आशा करूंगा कि मेरा यह कार्य आप लोगों को पसंद आए एवं साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार आप लोगों की सेवा में हाजिर होता रहूं। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लूंगा। धन्यवाद।